डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए जो बकरे का बेजा बनाया था, मुर्गी का टांग बनाया था, ऑमलेट बनाया था, वो तुम खाया? छी, ऐसा खाना तो मैं नहीं खाती जानू। मुझे वो जो तूने दूसरा नॉन वेज नहीं वेज बनाया था ना, वो इडली सांभर, वो बहुत टेस्टी लगा जानू। तुम मुझे ये बताओ, तुमने ये सब कहाँ से बनाना सीखा? तुमने खाना खाया? हाँ। तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हारा पेट मर गया? जिंदा है। हाँ वही, मेरा मतलब पेट भर गया। जानू बताओ ना, तूने इतना टेस्टी खाना बनाना कहाँ से सीखा? डार्लिंग, तुम आम खाओ ना, गुटली के बारे में काय के लिए इंक्वायरी कर? डार्लिंग बताओ ना, तूने इतना टेस्टी खाना बनाना कहाँ से सीखा? एक लंबा कहानी। एक मिनट, थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा, बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा दादा ने मेरी नानी के लिए, मेरा नाना ने मेरी दादी के लिए, उसके बाद मेरा बाप ने मेरी माँ के लिए बनाया। अब समझी मैं कहाँ से खाना बनाना सीखा? जानू, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस काली मोटी बिल्ली को बाहर फेंको, और तुमने निकालो उसको। मैं थोड़ी देर पहले किसी को तो भी उठा के बाहर फेंका था। तूने किसी को भी उठा के बाहर फेंक दिया? तुम्हें मालूम है तूने किसको फेंका? किसको? मेरी माँ का। तुम्हारा माँ था? मेरे को दिखा नहीं, सॉरी। तूने ये जानबूझ के किया है, मुझे मालूम है तुम मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तुम्हारी माँ के बारे में आज तुम कैसे सच बोल रहे हो? नहीं डार्लिंग, हम तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता है, कसम से। डार्लिंग, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, क्या मेरी माँ कुएं में गिर गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डार्लिंग, मेरी वजह से नहीं, ये ऊपर वाले की वजह से हुआ, ये वही चाहता था। डार्लिंग, टेंशन मत लो, तुम्हारा माँ जो कुएं में गिरा है, आज के बाद हम वो कुएं का पानी नहीं पिएंगे। हाँ।